हेलो दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया है और ऐसे ही में क्लांचो का प्लांट एक फ्लावरिंग का सबसे अच्छा माना जाता है। ये सकुलेंट वैरायटी का है फ्रेंड्स, और देखिए अभी में ही इसमें कलियां बन गई है। तो दोस्तों, कलियां बनने के लिए मैंने इसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र का सोल्यूशन सप्ताह में 2 बार दिखा दिया था। और एक सीक्रेट है कलियाँ बनने का, इस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर ही अंधार युक्त कमरा हो, यानी कि जहाँ पर ही अंधार हो। इस वजह यही कारण है कि ये गर्मी के विंटर के सीज़न में फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि विंटर के सीज़न में ठंड रात लंबे होते हैं। और सेमी शेड में भी रख सकते हैं और हल्की मॉइस्चर रखेंगे इसका जड़। और ये देखिए, मैंने 2 महीना पीछे जाके इस प्लांट्स को लगाया था, मतलब 2 महीना हो गया है, और सारा कटिंग से लगाया था। जो नर्सरी से जो पोली बैग आया था उसी में मैंने मिट्टी डाल दिया था, ऐसी मिट्टी, दोन का मिट्टी जो खेत का मिट्टी रहता है। और मैं इसमें, ये मेरा नया गमला है जो वेस्ट मटेरियल से ही मैंने बनाया हुआ है और रंग दिया है, क्योंकि मेरे पास और कुछ पॉट वगैरह नहीं था। और अभी विंटर सीज़न है तो इसमें प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे। बरसते आप गर्मी में ऐसा कंटेनर का यूज़ ना करें, आप एक्सचेंज कर लें। तो ये देखिए, सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से होल कर लें, क्योंकि अच्छा होल रहेगा तो पानी का ठहराव ना होगा फिर, और मिट्टी में फंगस वगैरह ना रहेगा, जड़ सड़ेगा भी नहीं। तो ये देखिए, मैंने का ढक दिया है पोटिंग सॉइल में। ये लेना होगा हमें सॉइल 60%, सैंड 10 से 15%, बाकी हम वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ले सकते हैं, या कुछ और 5% कोकोपीट। अब सभी मिक्सचर को अच्छे से मिला लें, और मिलाने के बाद आप कुछ देरी धूप में भी सुखा दें, ताकि मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह रहेगा वो नष्ट हो जाए। और ये देखिए, कंटेनर में 50% मैंने मिट्टी डाल दिया है। और प्लांट लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप पुराने मिट्टी को हटा दें। तो हटाएंगे कैसे, इस तरह पानी में रखें, वो अपने आप गल के हट जाएगा। तो ये देखिए, मैंने पूरी निकाल दिया है। तो ये देखिए, मैंने कटिंग से किया था, थोड़े बहुत जड़ बन गए हैं, और इतना जड़ में ये अब अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो ये देखिए, सारे प्लांट्स अच्छे हैं। और कंटेनर में 50% आप मिट्टी भर ले, उसी के बाद ये प्लांट लगाएंगे। तो चलिए, मैंने भर दिया है, और धीरे धीरे करके मैं ये प्लांट्स लगा दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों, फंगिसाइड का भी स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी में कोई फंगस वगैरह होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इससे प्लांट्स काफ़ी अच्छे होंगे। और हमें इसके बाद अच्छे से वाटरिंग करनी है, पूरा पत्ता वगैरह प्लांट वगैरह वगैरह को भिजा के, और इतना वाटरिंग करना है कि ड्रेनेज होल से पानी का रिसाव हो जाए। तो ये देखिए, मैंने जो स्प्रिंकल बोतल बनाया था उसी से वाटरिंग कर दे रहा हूँ।